मैं हूँ अपनी मम्मी के यहाँ और आज हम बना रहे हैं घुइये की पत्ते की पकौड़ी। और ये है मेरी मास्टर शेफ, मेरी मम्मी। तो चलिए बनाते हैं। तो ये घुइये का पत्ता ले लिया है और इसे अच्छे से हमने धो लिया है, खूब अच्छे से धो लिया है। और अब क्या करना है मम्मी? इसके डंठल जो है, हाँ, इसको काट लेंगे। जो मोटी वाली डंठल होती है उसे काट लेना है ना। ऐसे करके इसको, अगर पत्ता फट भी जाए तो कोई फिक्र नहीं है ना मम्मी, वो आराम से, कोई चिंता नहीं। हाँ, वो आराम से बन जाता है। तो देखिए इस तरीके से इसका निकाल लेना है। मोटी डंठल में थोड़ा रेशे ज़्यादा होते हैं इसलिए इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से काट के और ये ऐसे करके निकाल लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ मम्मी ज़रूर बनाती हैं। तो ये आज हम बनाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आज बनेगा रिक्वच पत्ते की पकौड़ी और उसके लिए मेरी मम्मी जो है बेसन को मिक्स कर रही हैं। क्या मिक्स किया मम्मी बेसन में? बेसन में नमक है, हल्दी है, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट है, हींग है। अभी अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसके बाद फिर इसको किस चीज़ का पत्ता रहता है? अरवी का। अरवी का, अरवी के पत्ते पे इसको लगाया जाएगा। इसको पानी से इसका पेस्ट बनाएंगे घोल करके, है ना। और ये है लहसुन मिर्चा और अदरक का पेस्ट, ऐसे दरदरा सा खा लिए। और इसको इसके अंदर डालेंगे और थोड़ा सा ड्राई मैंगो पाउडर डालेंगे और इन सबको मिक्स करेंगे। चटपटा सा बनाना है इसे। तो अब इसमें डाल रहे हैं मैंगो का पाउडर, इतना ठीक है, मिक्स कर लें। अब ये खूब चटपटा सा बन जाएगा और इसको अब पकौड़े के ऊपर लगाएंगे, सॉरी पत्ते के ऊपर लगाएंगे। ये देखो इतना इसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, है ना, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा रहे ये। तो ऐसे करके पत्ते को फैला लेना है अच्छे से। इसका हमने वो मोटा वाला पार्ट सारा निकाल दिया है, इस तरीके से हल्का सा यहाँ से फाड़ देंगे तो फोल्ड करने में आसानी होगी। और अब ये जो पेस्ट है जो अभी हमने बनाया है वो इस तरीके से इस पर लगा देंगे अच्छे से। देखिए इस तरीके से लगाना है पूरे के पूरे पत्ते में। बहुत ही टेस्टी बनता है, यूपी वगैरह में बहुत फेमस है, लोग अक्सर बनाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं रिक्वच। आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से पूरे पत्ते पे अच्छे से लगा दीजिए। और अब क्या करेंगे मम्मी इसके ऊपर? दूसरा रखेंगे। ओके, देखिए एक के ऊपर एक ऐसे पत्ते को रखता जाना है। ओके, आगे से थोड़ा सा फाड़ दीजिए ताकि आराम से ये इसके ऊपर फैल जाए। ओके, और इसके ऊपर भी ऐसे लगाना है। तो कितने पत्ते मम्मी एक साथ लगाते हैं? कम से कम 4 या 5 पत्ते रहे। अच्छा, जैसे कि रोल हो सके आराम से बन जाए। ओके, देखिए एक पत्ता और लगा देंगे। अब दो पत्ते लगा चुके हैं और अब एक पत्ता और मेरी मम्मी लगा रही है। तो पत्ता थोड़ा सा फटा हुआ है लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर जब वो पेस्ट लग जाएगा और रोल बनेगा तो वो सारा एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना मम्मी कि पत्ता इतना बड़ा बड़ा ही हो, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। बड़ा मुलायम पत्ते रहे। हाँ, पत्ते खूब मुलायम होने चाहिए। ओके ओके, गलने में आसानी हो। ओके ओके ओके। तो ये देखो अब इसको फोल्ड करना है। 5 से 6 पत्ते लगभग लगाए ना, 5 पत्ते लगाए ना मम्मी? 5 पत्ते। हाँ, 5 पत्ते लगाए हैं। और पत्ते के ऊपर है कि बड़ा पत्ते रहे। अच्छा, तो कम लगते हैं, मोटा फोल्ड हो जाता है थोड़ा। ओके, छोटे छोटे पत्ते हुए तो जाते लगते हैं। अच्छा, तो अब इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सारा जितना भी है ना मास्टर ग्री वो सब फोल्ड करने में ही है ना मम्मी? इसको खूब टाइट सा फोल्ड करते हैं ना, खूब टाइट। तो ये देखिए इस तरीके से बेसन इसके ऊपर भी लगा दीजिए ताकि चिपके। और इसके बाद, हाँ, इसके बाद इसको टाइट सा ऐसे दबाते हुए रोल करते जाना है।
ये देखिए कितना, देखो प्रेशर से लगा करके टाइट कर रही हैं ताकि ये खूब टाइट सा ऐसे रोल हो जाए। ये देखो तो इसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लगा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। ऐसे ही फोल्ड करते हुए इसे इस तरीके से ये पूरा रोल हो गया। देखिए ये रोल यहाँ पे ये रेडी हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन इस साइड और दूसरे साइड लगा देते हैं ताकि ये खुले ना, और खूब चटपटा और टेस्टी सा ये बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे मम्मी, इसको उबालने के लिए स्टीम करने के लिए स्टीम करने के लिए रखेंगे। ओके तो ये है वो रोल, ये रोल यहाँ पे ऐसा रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से मम्मी और बनाएंगी। तो अब इस रोल को हम स्टीम करेंगे। जब दो तीन रोल बन जाएंगे तो इसी तरीके से फिर हम सारा स्टीम कर देंगे एक साथ। तो जब स्टीम करना होगा फिर आपसे मिलते हैं। तो अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे एक भगोने में पानी रख दिया है और जब वो बॉयल होने लगेगा तब हम रख देंगे इसके ऊपर एक ये छन्नी, और इसके ऊपर हमने लगा दिया है तेल, है ना मम्मी, ताकि स्टिक ना हो, तेल लगा दिया है हाँ, ताकि चिपके ना ये, चिपके ना ये। और ये देखो इस तरीके से एक एक करके अभी हम बनाया हुआ है मम्मी ने 3-4 पीस, ये रख देंगे। दो ही रखेगा, अच्छा दो आएगा, तो चलो दो ही रख दो, इसको ढक देते हैं। तो अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी बना सकते हैं मम्मी, स्टीमर में बना सकते हैं। ये तो देसी तरीका है, जिनके पास स्टीमर ना हो घर पे आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब इसको मम्मी कितना टाइम लगेगा पकने में? 10 मिनट लगेगा, क्योंकि रोल जो है सो मोटा है थोड़ा। हाँ, 10 मिनट से 10 से 12-15 मिनट। तो क्या फ्लेम को तेज रखना है या मीडियम? लो पे रखना है। अच्छा लो फ्लेम पे, या लो या मीडियम फ्लेम पे रखना है। ओके ठीक है, चलिए तो अभी से 10 मिनट बाद चेक करेंगे। तो अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं हुआ या नहीं। ओह माय गॉड, संभाल के। तो अब ये देखो चाकू डाल के ऐसे चेक कर रहे हैं, चाकू क्लीन निकला ना, इसका मतलब ये पक चुका है। चलिए तो अब ये पक चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट पे, और इसके बाद हम इसको कट करते हैं कि क्या करते हैं? ठंडा हो जाए तब निकालते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए तो अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा जो रेडी हो गया था वो है, ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब हम इसे काटेंगे। चलिए काट लेते हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए तेल हमने डाला था, ये हल्का सा गर्म हो गया है, और मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे, है मम्मी, उलट पलट के ऐसे। तो ये पकौड़ी के जैसा बन जाता है ना मम्मी। हाँ, तो इसे ऐसे पलट देंगे एक पिक करके, जब नीचे से थोड़ा कुरकुरा हो जाएगा और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चलिए तो अब इसे पलटते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक साइड से ये पक गया है, और इसी तरीके से सारा हम दूसरे साइड से भी पका के तल लेंगे। तो आज तो मैं ये टेस्टी टेस्टी खाने वाली हूँ, मेरी मम्मी ने बनाया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से हो गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना मम्मी इसे, बस 1-2 सेकंड में आराम से हो जाता है, पका हुआ ये रहता ही है। हाँ, बस खाली इसे हल्का सा फ्राई करना है, कुरकुरा करना है, राइट। और ये देखिए चटपटा और यमी सा ये बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये बनके तैयार हो गया है, तो मैं जा रही हूँ इसे खाने। आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।